असलमैकम जी वेलकम बैक टू तो माय यूट्यूब चैनल सो so, लो जी पांड्या जी सही कहते थे उन्होंने आज से दो साल पहले कहा था कि हम जो है बल्कि तीन साल पहले आई थिंक हम एक टाइम पे दो टीमें खिला सकते हैं और वो आज उनकी बात जो है वो सही साबित हुई है आपने देखा होगा कि एक इंडियन टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ की तैयारी कर रही है और एक जो है इंडिया की जो टीम है टी ट्वेंटी साउथ अफ्रीका में खेल रही है और सही फेंटा लगाया जिसको कहते हैं ना कि सही फेंटा लगाना वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने ऑलमोस्ट uh, कायम कर दिया हाईएस्ट स्कोर आई थिंक साउथ अफ्रीका में कर दिया उन्होंने और भाई क्या बैटिंग की है रोहे उसने संजू सैमसन और uh, तिलक वर्मा वर्मा ने इसको कहते हैं कि बैकअप इसका क्रेडिट आप इंडियन क्रिकेट सिस्टम को दें कि क्या बैकअप तैयार किया भाई उन्होंने कि विराट कोहली गए रोहित शर्मा गए तो वो ऐसा लग रहा है कि मतलब उनकी कोई कमी महसूस ही नहीं हो रही और ये यंग टीम गई, गई है उनकी और क्या बैटिंग की है भाई जितनी तारीफ की जाए काम है और संजू सैमसन तो मुझे ना वो रियल कॉपी ऑफ़ रोहित शर्मा लगती है आप उसका स्टांस देख लें उसकी जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो देख लें बिल्कुल सेम टू सेम रोहित शर्मा की तरह वो शॉट्स मारते हैं इतना टाइम है उनके पास इजी खड़े होते हैं क्रीज़ में और जिधर दिल करता है शॉट मार देते हैं आई थिंक आउटस्टैंडिंग जो है वो इनिंग खेली उन्होंने दो सौ कर दिए इस सीरीज़ में टी ट्वेंटी में और तिलक वर्मा वर्मा ने भी क्या हंड्रेड किया भाई मैं तो उसको बोलूँगा न्यू न्यू स्टार इन द टाउन और uh, वो इंडिया के लिए आई थिंक बहुत लंबा खेलने वाले हैं और सैमसन तो काफ़ी अर्से से इंडियन सिस्टम में थे बस उनको मौका नहीं मिल रहा था अब रोहित शर्मा विराट कोहली गए वो जगह खाली हुई है तो भाई वो तो कमी महसूस होने नहीं दे रहे और इसमें जैसे मैंने पहले बोला कि आप इंडियन क्रिकेट सिस्टम को जितना क्रेडिट दें वो कम है और अनबिलीवेबल मैं तो यही कहूँगा कि पांड्या जी ने बिल्कुल सही कहा था कि भाई हमारी टीमें एक टाइम पे दो खेल सकती हैं और वो खेल रही हैं और अभी हालांकि इस टीम में आप देख लें इस टी ट्वेंटी टीम में बुमराह नहीं है जडेजा नहीं है कुलदीप नहीं है शामी ने फिट हो आना है सराज नहीं है तो अनबिलीवेबल मतलब कि आप जितनी तारीफ करें वो कम है और क्या क्रिकेट खेले हैं भाई वो और सूर्या कुमार यादव जिस तरह वो लीड कर रहे हैं टीम को आई थिंक इंडियन क्रिकेट टीम जो है उनका ये यंग लॉर्ड का बड़ा ब्राइट फ्यूचर है और आगे और बड़ा ये आई थिंक प्रोड्यूस करने वाले हैं अभी रिंकू सिंह वगैरह बेंच पे बैठे हुए हैं काफ़ी लड़के हैं इनके ईशान किशन नहीं है शुमन गिल नहीं इसको कहते हैं बैकअप आप देखें कि इसको कहते हैं बैकअप के आपके सीनियर प्लेयर्स गए हैं तो कोई फ़र्क ही नहीं फील हो रहा कोई होता ना कि एक डिफरेंस फील हो के और ओ हो वो ये होते तो वो कर देते ये कर देते वो वो भाई वो फील ही नहीं होने दे रहे वो इस थ्रू आउट सीरीज़ आप देखेंगे यंगस्टर्स जिस तरह खेल रहे हैं आई थिंक अनबिलीवेबल और जितनी फिर मैं वही कहूँगा कि जितनी तारीफ करो का है और इन लड़कों का बड़ा ब्राइट फ्यूचर है थैंक यू एंड प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा